चौधरी हर कुमार जी के ये इस जनसभा में यहाँ पर मौजूद सभी मेरे सम्मानित पिता समान बुजुर्गो, माताएं बहनें, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और हमारे छोटे भाई और जननायक जनता पार्टी के आने वाले समय के इस इलाके के भी और पूरे हरियाणा के एक उम्मीद की किरण भावी मुख्यमंत्री हरियाणा भाई दुष्यंत चौटाला जी और मंच पर सभी मौजूद साथीगण, अभी सभी साथियों ने अपनी अपनी बात रखी। आज मानपुर गांव है और चौधरी हर कुमार जी के लिए जिन्होंने पहले भी मजबूती से आपकी सेवा करी, लड़ाई लड़ने का काम किया, दो बार आप लोगों ने विधायक बनाया। आज मैंने और हमारे साथियों ने जिन लोगों ने कांग्रेस के लिए संघर्ष किया, आप लोगों के लिए संघर्ष किया, गरीब किसान मजदूर का राज लाने के लिए लगातार 5 साल सड़कों के ऊपर रहे, आज हमने अपनी ताकत, अपना समर्थन भाई दुष्यंत चौटाला जी के साथ, आप लोगों के साथ और हंस कुमार जी जैसे संघर्षी लोगों के साथ जोड़ दिया है। और ये ठीक कहा भाई दुष्यंत जी ने कि आज अकेले की धरती पर ये हमारे समर्थन लेने के बाद ये पहली जनसभा है, इसलिए इसके अपने मायने हैं, क्योंकि ये ब्रज भूमि है। अभी भाई दुष्यंत जी कह रहे थे कि खट्टर साहब तो फरसा चला रहे हैं, अरे ये ब्रज भूमि है, ये कृष्ण भगवान की भूमि है और उसके साथ साथ ये ब्रज की जनता का, और जब भगवान कृष्ण का सुदर्शन चलेगा तो ये सब साथ हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है साथियों, एक तरफ जननायक जनता पार्टी है और दूसरी तरफ खलनायक जनता पार्टी है। खलनायक क्योंकि इन्होंने पिछले 5 साल में उठा कर देखे देख लीजिए, ना कोई वायदा पूरा किया और हरियाणा के 36 बिरादरी के भाईचारे को खत्म कर दिया। कई मेवात के अंदर कई पहलू खान, रेवर खान, उनकी मौत कर दी, गाय के नाम पर राजनीति करी, गाय से इनका कोई मतलब नहीं है साथियों। और इसलिए मैं आप सबसे विनती और प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आज समय बहुत ज्यादा हो गया है, मैं तो यही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, भाई दुष्यंत भी और हम भी उसी का शिकार है। ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ राजनीति के, ये नौजवानों को नोचना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं इस हरियाणा को भी और नौजवान पीढ़ी को भी। और इसलिए हमने कहा कि हम नौजवानों की वो फौज तैयार करेंगे जो आने वाले समय में न केवल हरियाणा का नेतृत्व करेगी बल्कि पूरे देश का नेतृत्व करेगी। और उसी भावना के साथ हमने भाई दुष्यंत जी को ये समर्थन दिया। और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ताऊ देवीलाल जी के समय में उस समय बड़े बड़े कदम उठाए किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, और उसके माध्यम से हरियाणा को आगे लेकर के बढ़े। वो न्याय युद्ध को याद करो, उस जल युद्ध को याद करो, तमाम आंदोलनों को जिसके माध्यम से आप लोगों की शक्ति और हरियाणा को आगे बढ़ाने का सपना देखा था। आज उसी सपने के ऊपर चलते हुए उस संकल्प के साथ भाई दुष्यंत जी आपके बीच में लगातार संघर्षरत हैं। और हम तो ये अलायंस उस समय भी चाहते थे लोकसभा के समय में कि जेजेपी का, कांग्रेस पार्टी का और जेजेपी पार्टी का अलायंस हो जाए, और अलायंस होता तो साथियों आज दुष्यंत चौटाला भी सांसद होते, आज अशोक तंवर भी सांसद होते। लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो साथियों मैं समझता हूं कि आज और बड़ी चाबी की आपने बात करी, ये चाबी ये तिजोरी की भी है, ये चंडीगढ़ की भी है, और आगे इसको दिल्ली की भी चाबी समझ लेना। तो इसलिए पूरी ताकत लगाओ, 36 बिरादरी एक होकर के, और हमारे बड़े भाई भी कह लीजिए, हमारे आदरणीय भी कह लीजिए, और हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे जैसे साथियों को भी मिला,
हमेशा उन्होंने हमारे जैसे साथियों का हौसला भी बढ़ाया। चौधरी हर्ष कुमार जी, भाई दुष्यंत जी ने कह दिया है कि उनको विधायक बना दो, सरकार बन रही है। ये 75 पार वाले भाग जा रहे हैं, ये 75 पार का झूठा नारा। अरे अगर 75 पार हो रहे होते तो मोदी जी की 2 दिन की रैलियों की बजाय 4 दिन की नहीं करवाते। 2 दिन की तो होली 14-15 की, अब कह रहे 18-19 को फिर लाएंगे। अरे भैया जमीन खिसक चुकी है, जमीन खिसक चुकी है, लैंडमाइन बिछ चुकी है, सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो गई है। अरे भारतीय जनता पार्टी वालों कहां बचोगे? अब जो राज बनेगा वो प्रदेश में आप लोगों का बनेगा। आपके माध्यम से ऐसी सरकार बनेगी जो पारदर्शिता के साथ सबके साथ न्याय करेगी। उस सरकार के लिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ। और भाई पूरा ठोक करके भाई दुष्यंत जी का फोन आया कि तंवर साहब आपने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया, मेरी आपसे यह अनुरोध है कि बड़े भाई वाला आशीर्वाद दो। हमने कहा कि भाई हम तो अच्छे साथियों के साथ नौजवान लीडरशिप को मजबूत करने के लिए और मजबूती से आपका साथ देंगे, पर आज आपका साथ देने के लिए आपके बीच में आए हैं। और इसी तरीके से चारों दिशाओं में फैल जाओ, ना केवल हसीन और आपके मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, क्योंकि 4 दिन बचे हैं। ना मैं समझने जा सकता, ना भाई दुष्यंत जी जा सकते, ना आप जा सकते, लेकिन जहां जहां भी जा सकते हो फोन पे रिश्तेदारों को कह दो कि इंकलाब आ चुका है, बदलाव की आंधी चल पड़ी है, परिवर्तन होकर रहेगा और चाबी वालों की सरकार आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Come on, come on, come on.